हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपको क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर करा रही हूँ, इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेस मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो मैंने इनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से डायरेक्टली लिंक ओपन करके भी वो वीडियोज़ देख सकते हैं। अभी मैं एक्सरसाइज 2.4 करा रही हूँ। इस वीडियोस के अंतर्गत आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे ऐसे छोटी चीज़ें बताऊंगी जो बच्चे बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन डेज पर बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, जिसके कारण ये क्वेश्चंस छोटे क्वेश्चंस जो बहुत स्कोरिंग नंबर के होते हैं वो उनके गलत हो जाते हैं। और जब वो अपने आंसर शीट देखे तब कहते हैं अच्छा मैंने ये गलती कर दी, तो बहुत सिली मिस्टेक कर दी। तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा जिससे कि आपकी सिली मिस्टेक्स ना हो। तो सबसे पहले बोला गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 को मुझे रिप्रेजेंट करना है इस इक्वेशन को वन वेरिएबल और टू वेरिएबल के अंदर, यानी एक वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स के अंदर। y इज इक्वल्स टू 3 है, वन वेरिएबल में मैं एक लाइन खींचूंगी। आप प्रॉपर स्केल से खींचिएगा, 0 इस तरफ प्लस के साइंस होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे -1, -2, -3 एंड -4। जितने नंबर्स यहाँ पर लिखे कोशिश करें कि उतने ही नंबर्स यहाँ पर हो। यहाँ पे y ज़रूर लिखे क्योंकि हम y की बात कर रहे हैं, y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे इसको सर्कल करके ऊपर लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज द आंसर वन वेरिएबल में। अब इसी को मुझे टू वेरिएबल में करना है, यानी हम ग्राफिकल फॉर्म में करेंगे इसको। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, ये हमारा ओरिजिन होता है 0, 0, 1, 2, 3, 4। आप प्रॉपर स्केल से मेजरमेंट के साथ, नहीं तो ग्राफ के ऊपर ही इसको ड्रॉ करिएगा, 1, 2, 3 एंड 4, -1, -2, -3 एंड -4। अब y इज इक्वल टू 3 है, प्रॉपर स्केल से लाइन ड्रॉ करिएगा। यहाँ पर मेरी थोड़ी सी टेढ़ी लाइन गई है, लेकिन आप प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपकी प्रॉपर सीधी लाइन जाएगी। एंड y इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पे ज़रूर लिखें। ये इसका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी सेम इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे x का दे रखा है, 2x + 9 = 0। सेम हमें वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में फॉर्म अप करना है। 2x + 9 = 0 है, तो 2x+ का इधर जाएंगे तो -9 हो जाएगा। x की वैल्यू -9/2 यानी -4.5 आ गई। अब इसी को मैं वन वेरिएबल पे अगर बनाऊंगी, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पे x लिखिएगा। अब इन दोनों के बीच में पॉइंट प्लॉट करके यहाँ पे अब -4.5 नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है 2x + 9 = 0, क्योंकि हम वही हम फॉर्म्ड अप कर रहे हैं। अब इसी तरीके से हम टू वेरिएबल के अंदर बनाएंगे, सेम यहाँ पे ओरिजिन होता है -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। ये हमारा y होता है, ये हमारा x होता है, तो -4.5 यहाँ पर जाएगा। इसको ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, एरोज लगाने हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, 2x + 9 = 0। ये हमारी इसकी 2.4 एक्सरसाइज है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरे फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं मेरी ये वीडियो, तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें।